दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन ट्यूसडे का और आज डेट है 27 सितंबर 2022 और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों शाम के 7:30 बज चुके हैं। मैं अभी आ चुका हूँ घर के पास में, जस्ट डीपीएस स्कूल के बैक साइड पे ही खड़ा हूँ मैं और अभी मैंने ड्रॉप किया, लास्ट ड्रॉप मेरा यहीं पर हुआ था, गंगोत्री अपार्टमेंट सेक्टर 12। तो दोस्तों आज मैं सुबह निकला था करीब 10:30 के लगभग, मैं आज निकला था, लेट हो गया था तो थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है 3-4 दिन से, और जिसकी वजह से क्या है कि काम भी लेट स्टार्ट करते हैं तो फिर लेट ही होता है। तो अगर आपको काम स्टार्ट करना है तो आपका सबसे बढ़िया टाइम होता है दोस्तों सुबह का या शाम का। ये सुबह और शाम जो टाइमिंग है इस दौरान आपने जो काम कर लिया वही आपकी एक्चुअल अर्निंग होती है, इसी पे आपका मतलब सारी चीजें निर्भर होती है। अगर आपने सुबह का पीक टाइम स्किप कर दिया, दिन में आप स्टार्ट कर रहे हो तो दिन से फिर स्लो स्लो हो गए, फिर शाम का ट्रैफिक में आपको पता है इतना टाइम काम हो नहीं पाता, क्योंकि हम उठते हैं सुबह पूरा फ्रेश होते हैं तो एक बार का ट्रैफिक सुबह का झेल जाता है। तो जो बंदे सुबह चलाते हैं वो शाम को अपने कोशिश करते हैं कि 7-8 बजे तक घर आ जाए, शाम का ट्रैफिक नहीं वो हो पाता क्योंकि शाम को बहुत ज्यादा ही ट्रैफिक होने लगता है, जिसकी वजह से क्या है कि सुबह अगर आप निकलोगे टाइम पे 7 बजे, आप अपना शेड्यूल बना लो दोस्तों 7 बजे निकलने का, तो 7 बजे से मोस्टली सब लोगों का ऑफिस स्टार्ट हो जाता है। तो 7 से 12 के बीच में अगर आप काम करते हो तो दोस्तों आराम से आप 800 से 1000 रुपए के बीच में काम कर सकते हो। मैं निकला था लेट तो लेट ही काम हुआ और कम हुआ, रीजन वही था कुछ पर्सनल काम था जिसकी वजह से नहीं जा पाया। तो आज दोस्तों आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हो उबर के बारे में बात करूंगा मैं आज आपसे। और दोस्तों उबर में एक छोटा सा अपडेट है, पर ये भी जो भी जानकारी होती है मैं कोशिश करता हूं कि अपने भाइयों को अपडेट देता रहूं, और चाहे छोटा सा अपडेट हो या बड़ा अपडेट हो, जो भी हो वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करता हूं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा उबर में मतलब जब ये कंपनी आई थी तो कितना अच्छा मतलब ड्राइवरों को पैसे मिलते थे, ठीक है, और MBG प्लान मिलता था, इंसेंटिव्स मिलते थे, सब कुछ चीजें मिलती थी जब ये कंपनी आई थी, जब इन्होंने अपना बेस बनाया था। धीरे धीरे ये चीजें खत्म होने लग गई। अब क्या है कि कंपनियां क्या है कि अपने आप में इतनी चालाक होने लग गई है कि अब ड्राइवरों के ऊपर एक पैसा छोड़ने को राजी नहीं है दोस्तों। फॉर एग्जांपल मेरा ओला में अकाउंट चल रहा है कम से कम अभी 1900 रुपए माइनस में चल रहा है, क्योंकि वैसे मैंने माइनस ठीक किया था तो 1200 रुपए तक हो गया था ठीक, पर मोस्टली कैश की ट्रिप ही आती है और ऑनलाइन आती है, वो मन नहीं करता कि यार अकाउंट माइनस हो जाएगा, काम अपना जो होना था, पर हालांकि उसको भी ठीक करना है, पर मैं सोचता हूँ कि बीच बीच में एक एक ट्रिप को ठीक करे तो बेस्ट है। तो इस वजह से क्या है कि ओला में अगर मेरा अकाउंट माइनस में है ना दोस्तों, तो माइनस की रीजन यही है कि ओला को मैंने एडवांस में दे रखा है 3000 रुपए। ओला ने अगर आपको ध्यान हो जो दिल्ली एनसीआर में भाई चलाते हैं या और भी स्टेट में चलाते हो, तो अगर वो पुराने 4-5 साल से चला रहे हैं तो उनको पता होगा कि ओला किस हिसाब से पैसे काटता था। शुरू में जब गाड़ी अटैच करी तो एक माइक्रोमैक्स का फोन पकड़ा देता था, उसमें एक सिम दे देता था, उस सिम के और फोन के चार्ज दोस्तों 50 रुपए डेली के हिसाब से ये काटता था ओला अपनी। अब डेली के हिसाब से आप सोच लो 50 रुपए से इसने एक 4000 का जो फोन था, 4500 जिसकी कीमत थी फोन की, वो फोन से उसने कितने हजारों रुपए कमाए थे। उसके बाद ओला ने एक ट्रिक खेली के माइनस अकाउंट को कैसे हम रिकवर करें, तो बंदे क्या करते हैं ड्राइवर का माइनस कर करके ID ब्लॉक हो जाती है फिर उनकी, फिर वो भर नहीं पाते पेमेंट, तो इससे ओला को नुकसान हो रहा था। नुकसान को भरने के लिए उसने गेम खेली, गेम में यही बोला कि भैया 3000 पहले आप हमें दो, डेली के हिसाब से 50 रुपए हमसे ओला वाले चार्ज करते थे, तो दोस्तों आपसे भी चार्ज करते थे तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, क्योंकि मैं ये बात कर रहा हूँ 3-4 साल पुरानी, क्योंकि 3-4 साल पहले की बात है जब ये ओला हमसे चार्ज करने स्टार्ट कर दिया था। इसने हमसे ये कहा था कि भैया आप से हम 3000 सिक्योरिटी के रूप में लेंगे, 50-50 रुपए जब आपके 3000 हो जाएंगे, तो इस 3000 को जब आप प्लेटफॉर्म को छोड़ोगे उसके बाद आपको ये 3000 रुपए मिल जाएंगे। तो उसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, कई भाइयों ने छोड़ भी दिया है, कई भाइयों के पैसे भी कट के मिले नहीं मिले। तो आपको अगर दोस्तों आपने ओला में चलाई है और ओला चलाना छोड़ दिया और आपको वो रिटर्न मिला है पैसा, तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि हाँ आपको मिला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा ओला ने कोई मतलब पैसा दिया होगा। तो यही कारण है कि मेरा भी मैं अपना अकाउंट माइनस में इसीलिए रखता हूँ क्योंकि मेरा खुद का पैसा है जो
मेरा खुद का पैसा है जो मैं इसको माइनस में रख रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज ये 100 रुपए नहीं छोड़ रहा। अब वही फॉर एग्जांपल आपको आज की बात बता दूं मैं उबर की। उबर ने क्या किया है कि आप जैसा कि जानते हो हमें कैश आउट का ऑप्शन मिला हुआ है दोस्तों। कैश आउट में जब भी हम पेमेंट को मतलब अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं शेड्यूल से पहले, सपोज वैसे तो डेली ये पेमेंट करता है एक्सेप्ट टू सैटरडे संडे की पेमेंट छोड़ के, बाकी दिन तो ये डेली पेमेंट हर दिन करता है। बट अगर हमें अर्जेंटली सपोज हमारे अकाउंट में 1000 रुपए आ जाते हैं, मोस्टली मैं क्या करता हूँ मेरे जैसे 1000 जुड़ते हैं तो मैं 1000 को कैश आउट मारता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को अब उनकी आईडियो पे भरोसा नहीं है, कब हैक हो जाती है, कब चलते चलते बंद हो जाती है, तो अपना पैसा फिर फंस जाता है, फिर वो चीज मिले ना मिले, इसलिए अपना जो वॉलेट में पैसा आया है फटाफट उसको कैश आउट मारो। तो जैसे कि आप जानते हो कैश आउट मारते वक्त दोस्तों आपको उबर की तरफ से एक 5 रुपए का चार्ज देना पड़ता था, कि मतलब 5 रुपए आपके पर ट्रांजेक्शन पे उबर चार्ज करेगा जब आपका बैलेंस, जैसे बैलेंस तो पूरा आपका ट्रांसफर हो जाता था अकाउंट में, उसके बाद 5 रुपए माइनस में जाते थे, जब आपका वॉलेट में पेमेंट आती थी वो 5 रुपए उसमें से कवर अप कर लेता। तो अब ये लगा लो उबर इतना वो हो गया है कि एक ड्राइवर का 1 रुपया नहीं छोड़ सकता वो। तो साइड में आप मैसेज देख लीजिए, आज सुबह ही मेरे पास आया और मेरे को हंसी भी आई, मैंने कहा यार एक 5 रुपए की ट्रांजेक्शन को भी उबर नहीं छोड़ रहा है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जब आप ट्रांजेक्शन करोगे उसी टाइम, सपोज आप 1000 रुपए अपने वॉलेट में आपके पड़े हैं, तो 1000 रुपए अगर आप मारोगे कैश आउट तो उसमें 995 रुपए आपको मिलेंगे, 5 रुपए पहले से ही ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये बड़ी हंसी की बात है और मतलब एक ट्रस्ट सा खत्म होता जा रहा है, मतलब ये बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा है कि ड्राइवर भाई, अब हम लोग इतना कमा के दे रहे हैं इन कंपनियों को, आप सोचो हम है तो इनका बेस बना हुआ है, वरना कुछ नहीं बना हुआ। सपोज आप देखो करोड़ों रुपए ये डेली के छापते हैं, डेली की इनकी कमाई है, इनका बिजनेस होता है करोड़ों रुपए का, किससे होता है? हमसे ही तो होता है। अगर ड्राइवर पे आपको ट्रस्ट नहीं है तो फिर क्या फायदा है इससे? लाखों गाड़ियां हर सिटीज में चल रही है, हर उसमें चल रही है, 5 रुपए के आप ट्रांजेक्शन चार्ज कर रहे हो, अरे उसको फ्री कर दो यार। फ्री करने से क्या आपका कुछ तो हो थोड़ी नहीं जाएगा, ये ड्राइवर की तो फैसिलिटी है जो आप मतलब वो कर रहे हो। तो मतलब ऐसी सी वो है बातें, मतलब इसमें हंसी भी आई मेरे को, मन गया यार 5 रुपए के पीछे उबर, और अब आपने देखा ही होगा इसने 700 रुपए से 600 रुपए कर दिए ट्रांजेक्शन माइनस अकाउंट की। 600 रुपए में भी दोस्तों अगर आपके 200 रुपए भी हो जाते हैं तभी तुरंत इनबॉक्स में एक वार्निंग मैसेज आ जाता है, चेतावनी आपका बैलेंस नेगेटिव में जा रहा है, तो फटाफट इसको ऑनलाइन पेमेंट करो वरना अकाउंट वो हो जाएगा। तो मतलब ऐसे ऐसी मतलब उबर करने लग गया है, अब बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है ड्राइवरों के प्रति। और आपके पास भी दोस्तों अगर ऐसा मैसेज आया है, मुझे तो लगता है या मेरे पास ही आया या सभी भाइयों के पास आया, तो कमेंट्स करके जरूर बताना दोस्तों। और एक और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे, मतलब काफी भाई ये लगा लीजिए रोड पे चल रहे हैं और रोड पे काफी भाइयों ने अपनी गाड़ियों पे, आपको पता ही देखे चलान का सिस्टम कैसा कैसा चल रहा है, सीट बेल्ट के पीछे अब चलान के हो रहे हैं, बैक साइड में अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो मतलब आपको रोका गया तो आप ही का चलान होगा, आपकी गाड़ी का होगा, राइडर ने नहीं लगाई भाई। तो कई बार क्या होता है ड्राइवर बोल भी देते हैं उसके बाद भी राइडर हटा देता है, तो उसको भैया पहले ही बोल के चलो कि भैया चलान हुआ तो आप ही भुगतोगे, हम नहीं भुगतेंगे। या फिर कुछ भाइयों ने तो मैंने व्हाट्सएप वगैरह पे आई है, यहाँ पर साइड में एक मोबाइल स्टैंड पे ही ग्राउंड छोटा शीशा जो होता है वो चिपका रखा है जिससे वो पीछे के मतलब राइडर पे नजर रख सके। तो आजकल देखो चलान इस चीज का हो रहा है, सीट बेल्ट का हो रहा है। अब आज मैंने देखा दोस्तों, आज ट्रैफिक वाले चलान कर रहे थे, एक उबर फ्लीट की गाड़ी रोकी थी एस्प्रेसो, आपने देखी होगी खासकर दिल्ली की सड़कों पर चल रही है एस्प्रेसो गाड़ी पे एडवर्टाइजमेंट, पूरी गाड़ी एडवर्टाइजमेंट है, राइट और लेफ्ट पीछे बैक साइड सारी जगह मतलब ये लगा लो एडवर्टाइजमेंट करके चलते हैं। तो उसका चलान काट रहे थे, बहुत बड़ा फर्रा सा निकाला था उन्होंने। तो दोस्तों मैं अभी आपसे बोलने वाला हूं कि आप लोग जो टैक्सी में चला रहा है और काफी भाई उसको एडवर्टाइजमेंट अपनी छपवा रहे हैं 3000-3000 रुपए में इन ड्राइवर की, मोस्टली खासकर इन ड्राइवर में मतलब कर रहे हैं, तो उनको मतलब वो करवा तो लेते हैं बट इन ड्राइवर वाले उनको बोलते हैं कि चलान अगर होता है तो हम पे कर देंगे। तो दोस्तों ऐसा काम करना ही क्यों यार, आप मतलब जितने का आपका चलान होगा वो बंदा उतने ही के तो फाड़ेगा, अगर आपकी गाड़ी साथ में सीज कर दी तो फिर आप थोड़ी ना वो करोगे, आपकी गाड़ी की पूरी बंद कर दी। ट्रैफिक वाले का मूड का कुछ नहीं पता होता भाई, वो ऊपर से बोल देगा मुझे ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं भाई मैं गाड़ी बंद कर रहा हूँ आपकी, आपने एडवर्टाइजमेंट लगा रखी है जो कि अलाउ नहीं है, ये वॉल्यूशन है।
तो फिर आप क्या करोगे? तो मेरी उन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि भैया एडवर्टाइजमेंट लगाना बंद करो और इन ड्राइवर की एडवर्टाइज मत करो, रेट पूरे के पूरे खराब हो चुके हैं मार्केट में, दिल्ली में और ज्यादा खराब कर रहे हो आप आज की तारीख में। मैंने कल परसों भी बताया था कि इन ड्राइवर में बस की सवारियां आ रही हैं, 40-40, 50-50 रुपए में फेयर आ रहा है, 100-100 रुपए में भाई साहब को किसी को आयानगर से नेहरू प्लेस जाना है, किसी को कहीं जाना है। अब ये हम ड्राइवरों की वो रह गई है क्या वैल्यू? तो दोस्तों आप खुद समझदार हो और खासकर एडवर्टाइजमेंट मत लगवाओ, अपनी गाड़ियों पर चलान बहुत धड़ल्ले से हो रहे हैं तो बाद में आप पछताओगे कि भाई महेश भाई ने बताया नहीं। मेरे को जो अपडेट मिलता है मैं आपके साथ शेयर जरूर करता हूँ, और खासकर शीशे पे पीछे भी कुछ ना ही लिखवाए तो बेस्ट है। काफी ड्राइवर भाई अपनी सरनेम लिखवा लेते हैं, कोई कुछ लिखवा लेता है, कोई शर्मा, कोई वर्मा, कोई प्रजापति, कोई कुछ A to Z। तो दोस्तों ये सब चीजें मत लिखवाओ, आपका ही चलान हो जाएगा। ट्रैफिक वाले के पास बहुत रीजन होते हैं चलान करने के, ठीक है ना। अपना सिंपल सी गाड़ी रखो, जो है एज इट इज वो रखो, और टैक्सी में है टैक्सी की तरह ही यूज करो तो बेटर रहेगा, आपका ही फायदा होगा। नहीं तो आपको बोलोगे फिर भैया ये कैसे हो गया, तो ट्रैफिक वाले के साथ साथ तो आप बहस कर नहीं सकते दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज का छोटा सा ये अपडेट देना था, और आज का काम मैं आपको बता देता हूँ, आज का काम मेरा कितने का हुआ है। टोटल कुछ खास काम नहीं हुआ है, पर कर लिया जितना करना था, बाकी कल देखूंगा, मॉर्निंग में जल्दी निकलूंगा तो जल्दी काम होगा। तो आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, यहाँ पे साइड में देख सकते हैं आप, 1294 का काम है, प्लस 166 की ओला की ट्रिप है, 1460 रुपए ये हो गए, और एक 280 रुपए की मेरी ऑफलाइन बुकिंग की काम था दोस्तों, एक राइडर को जाना था तो मैंने उनको ड्रॉप कर दिया इस लोकेशन पे, तो 280 रुपए मेरे को वहां से मिल गए। तो टोटल काम ये लगा लो 1760 रुपए का मेरा काम हुआ है, और जिसमें 200 रुपए का टोल है, 1960 रुपए का। तो 200 रुपए टोल को हम साइड में रखते हैं, 1740 रुपए का काम है जिसमें मेरी CNG लग चुकी है 540 की, आप राउंड फिगर हटा लो। और आज का जो काम निकल के आया दोस्तों 1200 रुपए का नेट काम है मेरा, और ये सब कुछ हटा उठ के मैं आपको बता रहा हूँ आज की अर्निंग। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। जितनी आप वीडियो को शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी और उन भाइयों के पास पहुंचेगी जिनको ओला उबर के बारे में जानना है, कितना काम होता है, नई गाड़ी लेनी है, तो सारी चीजें मैंने दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो देखिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग पे, टिल देन बाय।